सातवां क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रॉपिकल साइक्लोन्स फॉल्स अंडर द कैटेगरी ऑफ वीक साइक्लोन। निम्नलिखित में से कौन से उष्णकटिबंधीय चक्रवात कमजोर चक्रवात की श्रेणी में आते हैं? इसमें पहला ऑप्शन है आपका उष्णकटिबंधीय अवदाब और दूसरा टोर्नेडो। तो दो में से आप कौन सा जो है सही है, पहला दूसरा या गलत है, दोनों ही दोनों सही है, या पहला सही है या दूसरा सही है, बताइए कौन सा सही है। इसमें से हमारा पहला ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही है, टोर्नेडो गलत है। तो यानी कि कौन सा ऑप्शन होगा, हमारा ऑप्शन होगा डी। अब इसका एक्सप्लेनेशन देखें, उष्ण कटिबंधीय कमजोर चक्रवात की श्रेणी में उष्ण कटिबंधीय अवदाब को सम्मिलित किया जाता है। आईएमडी यानी इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के अनुसार उष्ण कटिबंधीय अवदाब, जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ट्रॉपिकल डिप्रेशन, निम्न दाब का क्षेत्र होता है जिसमें हवाओं की गति कितने किलोमीटर प्रति घंटा, 32 से 50 प्रति किलोमीटर घंटा होती है। इन अवदाबों को अनुकूल परिस्थितियों प्राप्त होने के पर इनके आकार में वृद्धि होती जाती है और ये क्या लेके आते हैं, चक्रवाती तूफान बन जाते हैं। ये इसकी वजह से बात कर रहे थे हम उष्ण कटिबंधीय